जी सत श्री अकाल सारिआं नूं। मैं तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदी आं अपने चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सैस विच। मैं अज तुहानूं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दे उपर कुछ एमसीक्यू करवाण जा रही हां, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, उन्दे विच बहुत सारे क्वेश्चन जो ने वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दे उपर आए हुए ने। ते अज मैं तुहानूं OSS means open source software बारे कुछ MCQ करवाऊंगी। अगर तुसी मेरे चैनल ते नए हो, अजे तक तुसी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुसी अपनी जानकारी वधान दे लिए, अपनी नॉलेज वधान दे लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। जे तुहानू मेरा वीडियो अच्छा लगे तो तुसी कमेंट भी कर सकते हो, और कमेंट करना भी जरूर, ठीक है, कि तुहानू वीडियो किस तरह लगा। हाँ जी, पहला सवाल है, इस सॉफ्टवेयर कोडिंग ऑफ विच इज अवेलेबल फ्रीली ऑन द इंटरनेट एंड इज ओपन फॉर यूजर फॉर फर्दर यूज एंड इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड, उन्हों आपा की कहांगे? ऑप्शन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर और कम्युनिटी सॉफ्टवेयर। तो तुसी अपनी वीडियो नु पोज करके अपने प्रश्न का उत्तर लगा सकते हो। हाँ जी, ते इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बच्चों, जिस तरह तुसी कंपटीशन देना है तो इन्ना टाइम तो हुंदा नहीं कि तुसी क्वेश्चन नु बहुत इजी अच्छी तरह नाल पढ़ पाओ, क्योंकि टाइम बहुत घट हुंदा है, क्वेश्चन करन दे वल ध्यान हुंदा है, ज्यादा तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीते जान। तो तुसी एक चीज का ध्यान रखना है कि इन्हें विच तुसी कीवर्ड देख रहे हो कि वो कोडिंग जेडी इंटरनेट के ऊपर फ्रीली अवेलेबल होए और जिन्हें विच यूजर की कर सके चेंज कर सके, उस सॉफ्टवेयर नु असी की कहांगे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहांगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, विच काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो इस प्रश्न के विच एक और आंसर भी तुहानू मिल जाएगा कि जे आंदा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। हुन एक किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि ये डिस्क फ्रेगमेंटर है, कि ये फ्रीवेयर है, शेयरवेयर है या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। हाँ जी, हुन ये सवाल उठता है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की है, हो सकता है कि तुहानू प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दे ऊपर कोई एमसीक्यू आ जाए। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हुंदा है जो कॉपीराइट हुंदा है। कॉपीराइट मीन्स उन्हों ना तो कोई उन्दे विच मॉडिफिकेशन कर सकता है और ना ही उन्हों कोई डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है, ए सॉफ्टवेयर दैट कैन बी फ्रीली एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड, वो केड़ा सॉफ्टवेयर है जिसनों तुसी फ्रीली एक्सेस ते मॉडिफाई कर सकते हो। मैं पिछे भी क्वेश्चन विच तुहानू समझाया सी कि जिथे मॉडिफाइड वर्ड आए तां उत्थे तुसी की लगाना है। मैं तुहानू खुद ही आंसर दस रही हां कि उत्थे तुसी की कहोगे कि वो केड़ा सॉफ्टवेयर है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर विच कैन बी इजली एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड, उन्हों आपा केड़ा सॉफ्टवेयर कहांगे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन्स जिसका कॉपीराइट जो ओनर है वो यूजर्स नू दे देना है, सो दैट यूजर उनके विच की कर सकन, चेंज कर सकन, उन्हों फ्रीली एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूट कर सकन। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है, OSI स्टैंड फॉर, ऑप्शन है ओपन सोर्स इंडेक्स, ओपन सोर्स इमेज, ओपन सोर्स इनिशिएटिव या ओपन सोर्स इंस्टेंट। तुसी वीडियो नु पॉज करके अपने प्रश्न का उत्तर लगा सकते हो। वैसे ही इस प्रश्न का उत्तर है ओपन सोर्स इनिशिएटिव, आई स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है कि वो केड़ा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो वेब डिजाइन के लिए जरूर दी वरतों की जाती है, मतलब कि वेब डिजाइन
OSS दी एग्जांपल दसो। OSS मीन्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है NVU। NVU वो सॉफ्टवेयर है जो वेब डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। अगला हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है, एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। हाँ जी, की बच्चों तो तुम्हें पता है कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए केड़ा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ऑप्शन है वर्च्यू मार्ट, ड्रुपल, देन उस तो बाद है अपने को पिजन एंड जेनकार्ट। इन्हों आप पिजन बोलना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पिजन। ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस इज नोन एज पिजन। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है, द टर्म फॉज और एफ एल ओस मीन्स तुम पेपर दे विच फोर्स या एफ लॉस FLOSS बारे भी पूछा जा सकता है कि ये नॉन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नो डाउट तुसी इन द आंसर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही लगाओगे, ठीक है, क्योंकि इनके पीछे OSS है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की गल हो रही है। पर कई बार हो सकता है कि पेपर दे विच तुहानू इनकी फुल फॉर्म पूछी जाए कि फॉज की है या FLOSS दी फुल फॉर्म की है। तो दोनों दी फुल फॉर्म मैं तुहानू इत्थे एक्सप्लेन कर रही हाँ। जे तुहानू FOSS आंदा है तो उनकी फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पर अगर तुहानू FLOSS आंदा है तो उनकी जिहड़ी एब्रीवेशन है मीन्स फुल फॉर्म है उनकी, वो है उस एब्रीवेशन दी फुल फॉर्म है फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दे ओ टर्म बारे कंपटीशन पेपर्स दे विच पूछा जाता है जिंदे बारे ज्यादा बच्चों नु ना पता है। मीन्स या तो बहुत सोखा क्वेश्चन आंदा है या कुछ ऐदा दा क्वेश्चन आंदा है जिदे बारे घट जेडे विद्यार्थी है उन्हां नु नॉलेज होए। सो इन्हां दी तुहानू फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। हां जी बच्चों, मैं तुहानू पंजवें नंबर ते क्वेश्चन करवाया सी कि एग्जांपल दो वेब डिजाइन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दी, तो उनका आंसर भी मैं तुम्हें दसिया सी कि उनका जो उत्तर है वो की है NVU, ठीक है। इनू आप किदा प्रोनाउंस कर सकते हैं, आप इनू प्रोनाउंस करते हैं एज ए NVU, ठीक है। NVU जो है एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जरा कि वेबसाइट्स नू बिल्ड करने लिए वेब पेजेस नू बनाने दे लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जे वेब डिजाइन की जगह पे तो ये आ जाए कि वेबसाइट्स और वेब पेज बनाने दे लिए केड़ा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो केड़ा ओपन सोर्स है उन्हों आपा की बोलेंगे NVU, ठीक है। NVU मीन्स इन बारे भी इस तरह भी तो पूछा जा सकता है। वेब डिजाइन नहीं आ सकता, वेब पेजेस वेबसाइट्स आंदा है, तो उनके लिए तुसी जो आंसर है वो की देना है NVU देना है, ठीक है। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर जेड़े जेड़े मेन क्वेश्चन बनते हैं वो मैं तुहानू करवा दिते ने। आने वाले वीडियो लेक्चर दे विच मैं तुहानू होर क्वेश्चन करवावांगी, और जे तुहानू वीडियो अच्छी लगे तो तुसी वीडियो ते कमेंट करना ना भूलना, ज्यादा तो ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स दे नाल और पूरी कंसंट्रेशन दे नाल, क्योंकि वीडियोस बहुत छोटे-छोटे ने, इन्हां नूं समझण दी कोशिश करना। धन्यवाद।